नमस्कार बच्चों, लैब पब्लिक स्कूल से मैं पूजा शर्मा आपकी कक्षा 4 की हिंदी की अध्यापिका। आप सभी का पाठ संज्ञा, हमारा व्याकरण का पाठ संज्ञा चल रहा था, उसी में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। पाठ संज्ञा में हमने अभी तक जाना कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसमें हमने इसके भेदों को जाना, इसके तीन भेद हैं। संज्ञा के तीन भेदों में प्रथम भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में भी जाना था। हमने जाना जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के बारे में हमने इसकी परिभाषा को जाना था। अब हम आगे जानते हैं कि इसके चित्रों को देखकर हमें पता लगेगा कि कौन से शब्द ऐसे हैं जिनके द्वारा हम किसी भी अपनी एक जाति की पहचान कराकर हम जातिवाचक संज्ञा को जान सकते हैं। हमें चित्र दिख रहा है स्त्री का। स्त्री से हमें पता लग रहा है एक पूरी स्त्री जाति के बारे में। शेर, फल, पुस्तक, इस प्रकार ये सभी शब्द केवल एक का बोध न कराकर पूरी जाति का बोध कराते हैं। तो हमें ज्ञात होता है कि पूरी जाति का पता हमें कुछ शब्दों के द्वारा पता चलता है। आगे चलते हैं भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या प्राणी के भाव, गुण, विशेषता, दशा या स्थिति के नामों का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों के द्वारा हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, महसूस करे हुए शब्द जो होते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ममता, प्रेम, घृणा, क्रोध, त्याग, कोमलता, मधुरता, दयालुता, अच्छाई, कुटिलता, भय, साहस आदि। आगे देखें, निम्न चित्रों को ध्यान से देखें तो केवल उनके भावों को ही महसूस कर पाएंगे। न तो इनसे जाति प्रकट होती है और ना ही इनका कुछ विशेष व्यक्ति से या और केवल भाव ही उभरता है। देखें, कृष्ण और सुदामा में गहरी मित्रता थी। जो हमें डार्क कलर के शब्द बताए गए हैं, अलग से लिखे हुए हैं, उनमें हमें भाव का पता लग रहा है। अगर हम कृष्ण और सुदामा को देखें तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, लेकिन मित्रता से हमें क्या पता लग रहा है, भाववाचक संज्ञा। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता सराहनीय थी। यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, लेकिन वीरता शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा में आता है। अर्थात इन चित्रों में वीरता और मित्रता आदि का हम सिर्फ क्या करते हैं, अनुभव ही करते हैं। आगे देखिए, भाववाचक संज्ञा बनाना। भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आदि शब्दों से बनती है। आगे दी गई तालिकाओं को हमें ध्यान से पढ़ना है और समझना है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। बच्चा, बचपन, देव, देवत्व, मित्र, मित्रता, दास, दासता, लड़का, लड़कपन, चोर, चोरी, प्रभु, प्रभुता, मानव, मानवता। अर्थात ये जितने भी शब्द जातिवाचक के थे उनसे हमने क्या बनाया, भाववाचक संज्ञा। आगे देखिए, सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। निज से निजत्व, अपना से अपनत्व, अपनापन, अपनत्व भी हो सकता है, मम से ममत्व, अहम से अहंकार, स्व से स्वत्व, सम से समता। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। ध्यान से देखिएगा बेटा, बूढ़ा शब्द विशेषण है, उसे क्या बना, बुढ़ापा, मात्रा बदल जाएगी। मोटा से मोटापा, ऊंचा से ऊंचाई, कठिन से कठिनता, गर्म से गर्मी, अच्छा से अच्छाई, मूर्ख से मूर्खता, ईमानदार से ईमानदारी, मीठा से मिठास, खट्टा से खटास, सफल से सफलता। आगे देखिए, क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। दौड़ना क्रिया है, उससे भाववाचक संज्ञा क्या होगी, दौड़। हारना, हार। पढ़ना, पढ़ाई। उड़ना, उड़ान। सजाना, सजावट। लिखना, लिखाई। खेलना, खेल। चलना, चाल। इस प्रकार से हमने सभी भाववाचक संज्ञाओं को जाना। आगे देखिए, हम इसमें अपने बुक एक्टिविटी पार्ट को भी कर लेते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे सीमा, कमल, शेर, मुंबई आदि। संज्ञा के भेदों के दो दो उदाहरण दीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा में नरेंद्र मोदी और बनारस,
जातिवाचक संज्ञा में हमने क्या लिखा, फूल और वृक्ष। भाववाचक संज्ञा में हमने लिखा गहराई और ईमानदारी। अगली एक्टिविटी में हमारी क्या है, हमें निम्न कंप्यूटर में व्यक्तिवाचक जातिवाचक भाववाचक शब्द दर्शाए गए हैं, इन्हें हमें अलग अलग करना है। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आएंगे, दिल्ली, सूर्य, चिड़ियाघर, बाइबिल। जातिवाचक में आएंगे सेना, आदमी, पशु और कक्षा। भाववाचक में सज्जनता, दासता, दया और बुढ़ापा। आगे हमें अगली एक्टिविटी दी हुई है नंबर 4, पीले गुब्बारे के शब्दों की भाववाचक संज्ञा बनाकर साथ में दिए गए गुब्बारे में लिखना है। देखिए बूढ़ा का क्या हो जाएगा, बुढ़ापा। दौड़ना का क्या होगा, दौड़। सफल का सफलता, अच्छा का अच्छाई, अहम का अहम, मानव का मानवता, दास का हो जाएगा दासता, बच्चा का बचपन। अब आगे एक एक्टिविटी हमें और दी हुई है प्रश्न नंबर 5 में, निम्न वर्ग पहेली में से संज्ञा के भेदों के उदाहरण शब्दों का चयन करना है। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने शब्द छांटे हैं, आप ऊपर मिलान करके यहाँ पर सर्कल भी लगाएंगे। हमने शब्द बनाए हैं गंगा, पुराण, सूरज, अमरूद। जातिवाचक में यात्री, तार, भारतीय, रेल। भाववाचक में सफलता, मिठास, हार और जलन। अब देखिए हमने सही विकल्प का चयन कर उस पर राइट का निशान लगाना है। संज्ञा के भेद कितने होते हैं, 3। भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं किसके द्वारा, विशेषण व क्रिया के शब्दों के द्वारा, संज्ञा व सर्वनाम के शब्दों के द्वारा, अर्थात हमारा उत्तर क्या होगा, क व ख दोनों। नंबर 3, जातिवाचक संज्ञा बोध करवाती है किसका, पूरे समूह और जाति का। अब देखिए निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़कर सही कथन के आगे सही का व गलत के आगे हमें गलत का चिन्ह लगाना है। नंबर क है, भाववाचक संज्ञा को केवल अनुभव कर सकते हैं, यह वाक्य सही है। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द किसी विशिष्ट नाम का बोध करवाते हैं, यह वाक्य भी सही है। संज्ञा के 4 भेद हैं, यह वाक्य गलत है, क्योंकि संज्ञा के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। आगे देखिए एक छोटी सी एक्टिविटी और है, निम्न गद्यांश में से कोई 2 व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों पर सर्कल, 2 जातिवाचक संज्ञा शब्दों पर हमें क्या कराना है, बॉक्स बनाना है, और 1 एवं 2 भाववाचक संज्ञाओं पर हमें क्या करना है, ऐसे ट्रायंगल बनाना है। देखिए हमने जहां पर बॉक्स बनाया है वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, जहां हमने ट्रायंगल बनाया है वो भाववाचक संज्ञा है, और जहां हमने सर्कल बनाया है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसमें से देखकर आप अपना कंप्लीट करेंगे और सब अच्छे से लर्निंग करेंगे, सब अपना अपना ध्यान रखेंगे। सभी को मेरा नमस्कार, बाय बाय बच्चों।